प्रकार के लीडरशिप और मुख्यमंत्री पद के बयान दे तो मेरे ख्याल से हास्यास्पद है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्लेसमेंट के दौरान मालगाड़ी की 3 बोगियां एक बार फिर से बेपटरी हो गई, जिसके बाद अधिकारियों के बीच भड़कप मच गया। पूरा मामला मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के नारायणपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित गुमटी नंबर 98 का है। घटना के बाद मुजफ्फरपुर समस्तीपुर अप एंड डाउन रेल लाइन के सभी गाड़ियों को मुजफ्फरपुर के पहले वाले स्टेशनों पर रोका गया। मुजफ्फरपुर में फिर एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, मतलब आप समझ सकते हैं एक महीने में ये तीसरी हादसा है। प्लेटफॉर्म मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक जो इंजन था वो बेपटरी हो चुका था, और उसके बाद इसी जगह पे जिस जगह पे खड़े हैं मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेल लाइन का ये रूट है और नारायणपुर स्टेशन के पास मौजूद है, और यहाँ पे जो ये गाड़ी देख रहे हैं ये गाड़ी दरअसल बेपटरी हो चुका है और इसकी 3 बोगियां बेपटरी हुई है, और इसको लेकर जो है देख सकते हैं कि ये दूसरी हादसा इसी जगह पे एक महीने के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं रेलवे की जो हाईटेक व्यवस्था की बात रेलवे करती है और इस तरीके से हाईटेक व्यवस्था एक महीने में दूसरी बार घटना होना, रेलवे की सभी हाईटेक व्यवस्था को पोल खोल कर रखा है। हालांकि जो आरपीएफ की टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है, रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग की जो टीम है वो भी पहुंची है और इसको पटरी पर लाने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये रेल जो टैंकर है इसे पेट्रोल लोड था, खाली करके ये प्लेसमेंट के लिए यार्ड में ले जाया जा रहा था, और जिस तरीके से घटना हुई है तो आप समझिए कि दूसरी घटना कहीं ना कहीं रेलवे की सारी व्यवस्था को सुदुरुस्त व्यवस्था को पोल खोल कर रख रही है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये जो है पटरी से नीचे उतर चुका है, मतलब मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के अप लाइन पर यह गाड़ी जा रही थी और अप लाइन पर चलते जो प्लेसमेंट के लिए जाना था ये यहीं पे बेपटरी हो रही है, और इस तरीके से इसकी 3 बोगियां बेपटरी हो गई, और जिस कारण से जो दीपावली का समय है, सबसे खास बात यह है कि दीपावली का समय है, जो बाहर के राज्यों में रहने वाले जो बिहारी हैं वो आ रहे हैं, और कई गाड़ियां जो है कई स्टेशनों पर रुकी हुई है। अब जब तक ले इसको पटरी पर लाने जा रहा है तब तक ले ये अप लाइन चालू नहीं होगा, और दूसरी बात यह भी हम आपको बता दें कि इसके जस्ट बगल में डाउन लाइन है वो भी अवरुद्ध है, बंद हो चुका है, क्योंकि उस पर भी वो लाइन भी डिस्टर्ब है। मतलब जो मुजफ्फरपुर समस्तीपुर का आने जाने का जो रूट है वो कंप्लीट रूप से बंद हो चुका है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह रेलवे की जो तुरस्त व्यवस्था हाईटेक व्यवस्था की बात रेलवे करती है वो फिर साबित हो रही है। पीछे एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो रेलवे की जो आरपीएफ की टीम है वो पहुंची हुई है, इंजीनियरिंग विभाग की टीम पहुंची हुई है, जो अधिकारी है वो भी यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं, वो भी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। फिलहाल जो इंजीनियरिंग विभाग की टीम है वो जो है पटरी पर लाने की कार्रवाई में जुटी हुई है। मनितोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर।